उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पवेलियन ग्राउंड में आयोजित हिमालय कप के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल राइफल्स इत्यादि टीमों ने भाग लिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फुटबॉल मैच के समापन के दौरान कहा कि भारत का हर खिलाड़ी विश्व के नाम पर रोशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं जहां भारत का तिरंगा न लहराता हो। हमारे देश के खिलाड़ी हर जगह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पवेलियन ग्राउंड में आयोजित हिमालयन कप के समापन समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल में उम्दा प्रदर्शन किया है और खेलों में रिकॉर्ड तोड़ पदक जीते हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड का राज्य के खेल फुटबॉल और हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट पवेलियन ग्राउंड में विजेता को मिलेंगे 5 लाख और उपविजेता को 3 लाख दिया जाएगा। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जो संपूर्ण भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान खेल के क्षेत्र में भी बन रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के युवाओं का यह उत्साह उत्तराखंड के खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में। एक मील का पत्थर साबित होगा जहां खेलों को बढ़ाने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत सारे खेलों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारा भी यह प्रयास है कि भारत के पौराणिक खेलों को विश्व पटल पर ख्याति दिलाई जाए।